बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं मौजूद हूं कराची के इलाके सदम रीगल चौक पर और आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि AC DC फ्रिज के बारे में। ये फ्रिज 12 वोल्ट पर भी चल जाता है। इस फ्रिज की क्या स्पेसिफिकेशन है, आइए चलते हैं शॉपकीपर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जफर। भाई जरा यहाँ का एड्रेस बता दीजिएगा शॉप का, ताकि हमारे देखने वाले आसानी से आपकी शॉप तक पहुँच सके। ये शॉप का एड्रेस है सदर के अंदर कोऑपरेटिव मार्केट के बैक साइड थर्ड गली सोलर वाली गली के अंदर सरमत सेंटर में, सही सरमत रोड पे सरमत सेंटर की कॉर्नर वाली शॉप है 5A। तो ये नूरी सोलर के नाम से हमारी शॉप है यहाँ पर। भाई जरा बताएंगे आपके पास ये जो AC DC जो फ्रिज है, ये 12 वोल्ट भी चल जाता है, 24 वोल्ट क्या बताएंगे इसके बारे में? यार ये 12 वोल्ट और 220 और 24 तीनों पे चलने वाला फ्रिज है और सिंगल बेड प्लेट और डुअल बेड दोनों पे चलता है ये, सही। अभी देखोगे इसका साइज़ है तकरीबन 98 लीटर का ये साइज़ है और ये तकरीबन 7 एम्पेयर लेता है एक घंटे के अंदर 7 एम्पेयर, यानी कि DC एम्पेयर लेता है 7 एम्पेयर, सही। 70 वाट इसके टोटल लेते हैं, आप बिजली पर चलाओ बैटरी पर चलाओ दोनों आपके ऊपर है। और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा अच्छा ये है कि इसको तकरीबन 24 वोल्ट पे चलाया जाए तो 24 वोल्ट पे इसकी एफिशिएंसी थोड़ी हाई होती है। याद देखो बिल्कुल ऐसा नॉर्मल फ्रिज ये वर्क कर रहा है। अभी ये एसी पे चल रहा है? ये बिजली पे चल रहा है, एसी पे चल रहा है। तो डीसी पे मतलब किससे कहते हैं, बैटरी से लेगा या सोलर? डायरेक्ट इसके अंदर इसमें प्लग इन होगा, इसमें कोई सेलेक्टर या किसी चीज़ की स्विचिंग की जरूरत नहीं है, खाली इसमें प्लग इन करेंगे और ये डायरेक्ट 12 वोल्ट पे वर्किंग देना शुरू हो जाएगा। और 24 वोल्ट पे भी आप डायरेक्ट उसी प्लग के अंदर आप 24 वोल्ट कनेक्ट करोगे तो उसमें चल जाएगा, इसमें कोई स्विचिंग करने की जरूरत नहीं है। 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के अंदर इसको लेके आ जाएगा। इसमें दो साइज़ अवेलेबल हैं, ये सिंगल डोर है, ये 98 लीटर है, ये डबल डोर है 180 लीटर है। इसमें ऊपर जो है आपका ये डीप फ्रीजिंग मोड है और ये नॉर्मल फ्रीजिंग है, सही है। ये दोनों आपको मिल जाएंगे। सोलर पैनल पे चल जाता है, अभी सिंगल प्लेट पे भी चल जाएगा, डुअल प्लेट पे भी चल जाएगा, जैसा आपको लगना चाहिए। ज़्यादा बेहतर है कि इस पर डुअल प्लेट लगी हुई हो, बैटरी लगी हुई हो सिंगल, एक पानी में लगाएं या छोटी आप कोई भी पानी 50 एम्पीयर या 70 एम्पीयर की बैटरी लगा लें और एक कंट्रोलर लगा लें तो ये आपको क्या दिन में भी चला देगा और रात में भी आपका इफेक्टिव वर्क करेगा, सही। दूसरी जगह आपको मिल जाते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि खाली चीज़ मेरे पास ही अवेलेबल है, दूसरी जगह भी मिल जाते हैं, वो आपको दूसरी कंपनी के मिलेंगे, वो असेंबल लोकली इधर के होंगे कभी कोई चीज़, फिर वो स्पेशल। यार एज ए सच इसकी चाइना से बाहर से तो कोई वारंटी आती नहीं है, बट ये कि हम यहाँ पे 3 मंथ चेकिंग वारंटी दे रहे हैं और मैं 4 साल से चला रहा हूँ तो अब तक मेरे पास कोई रेयर कंप्लेन नहीं है कि यार इसमें मसला आ गया, ये वर्क नहीं कर रहा और बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा। और इसके अंदर रिपेयरेबल भी है और इसके अंदर नॉर्मल गैस जो है वो नॉर्मल गैस चलती है, हाँ हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर है 02135670037। ये एड्रेस है अपना कोऑपरेटिव मार्केट के बिहाइंड थर्ड गली है, सदर के अंदर कोऑपरेटिव मार्केट के बिहाइंड थर्ड गली सोलर मार्केट वाली, सरमत रोड और सरमत सेंटर।